जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपका फौजी मेहता अकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं और केवल आप इसको एक सेकंड में इसका आंसर कर दोगे दोस्तों। तो एक बार वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब एक सेकंड आपका सिर्फ 5 मिनट में, आपको मैं सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चन बताने वाला हूं जिनको आप देखते ही सिर्फ एक सेकंड में कर दोगे। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा है सामने क्वेश्चन, √12 + √12 + √12 + तो इस प्रकार का क्वेश्चन आगे डैश 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 यानी अनंत तक अगर ये जा रहा है आगे डैश 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 तो इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रकार का जब भी आप क्वेश्चन देखो तो इसका गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड किस प्रकार से, जैसे कि 4 * 3 = 12, इस प्रकार से आप इसका गुणनखंड कर लीजिए 12 का। और अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो ये इसका आंसर हो गया है ना, एक सेकंड में करने वाला। बस आपको देखना है, आपको दिखने में ये क्वेश्चन हार्ड लिखेगा लेकिन इसका आंसर शॉर्ट ट्रिक से सिर्फ आप एक सेकंड में, मतलब कि आपको जो भी संख्या दी गई अगर उसके बाद में प्लस यानी 12 + या 12 + इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे, आगे डैश 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 लास्ट तक अनंत तक दी हुई हो, तो आपको करना क्या, सीधा उसका गुणनखंड करके उनमें से अगर ये प्लस चल रहा है इधर तो उन दोनों गुणनखंड में से जो बड़ी संख्या है वो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है और इसमें क्या हुआ है, √20 - √20 - √20 - यानी उसमें प्लस का चिन्ह था इसमें माइनस का। तो इसका सबसे पहले हमको क्या करना है, 20 का गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 * 20, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 5 * 20 यानी 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो इसमें क्या चल रहा है, माइनस का। तो अगर माइनस का चल रहा है तो आपका उत्तर क्या होगा, जो छोटी वाली संख्या है। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता 20 के बाद में तो आपका उत्तर क्या होता, 5। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है इसलिए इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, 4। ये 100% आपको यूज करना है और आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। एक इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, कई लोगों को ये समस्या होती है कि इस प्रकार के क्वेश्चन क्या करें, ये भी बहुत ईजी है। इसको देखो किस प्रकार से किया जाता है। तो आपको 7 का वर्ग बताइए, 7 का वर्ग कितना होता है, 49। तो अगर 49 को बाहर काटेंगे 7, इसमें क्या करेंगे 29 में 7 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 36। 36 किसका वर्गमूल कितना होगा, 36 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 6। तो यहाँ से ये 6 इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो 6 यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो 19 और 6 = 25। 25 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना है, 5। तो 5 आके इसमें जुड़ जाएंगे, और 11 और 5 = 16। तो 16 का वर्गमूल कितना है, 4। और 4 किस में जुड़ जाएंगे फिर, इसमें 5 और 4 = 9। और 9 का वर्गमूल अगर 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे कितना था, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इसको बिल्कुल इजीली कर सकते हो आप इस प्रकार से, यानी पहले इसको वर्गमूल निकालना है उसमें ऐड कर देना, फिर इसका वर्गमूल निकालना इसमें ऐड कर देना, फिर इसको जोड़ के वर्गमूल निकालना, पहले वर्गमूल नहीं निकालना, यानी इसका जो वर्गमूल निकालना है वो इसमें ऐड करके फिर जैसे 36 हो जाएगा फिर उसका वर्गमूल निकालना है। इस प्रकार से करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है, देखो √3 √3 √3 और अनंत तक गया हुआ है यानी डैश 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 यानी अनंत तक गया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा। याद रखना इसमें गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें 3 के बाद में प्लस का चिन्ह नहीं है। तो इसका आंसर सीधा सा होगा, क्या होगा, 3 ही। अगर इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है तो उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 3 ही, यानी √3 √3 √3 अगर ये अनंत तक गया है तो इसका आंसर क्या होगा, 3। ये आप कहीं पे भी कैसा क्वेश्चन देखोगे उसका उत्तर सीधा लिख देना, आपका गलत नहीं हो सकता, 101% है। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लो, √12 √12 √12, इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, कईयों को नहीं पता होगा। रूट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि उस संख्या को वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 12 = 2, फिर उसके अगला 12 = 4, फिर उसके अगला 12 = 8। तो इसका मतलब यही है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो ये दोनों एक ही बात है। अगर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12। बोला ना मैंने जैसे ऊपर की, अगर इसमें प्लस या माइनस का कोई भी चिन्ह नहीं है और रूट में है और अनंत तक अगर ये चल रहा है तो इसमें इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा 12। याद रखना ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में आए हैं और बिल्कुल फ्री के नंबर है लेकिन आप छोड़ देते हो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है। उसमें क्या हुआ था कि रूट में जैसे 12 12 12 लेकिन आगे क्या था, डैश 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 अनंत तक था। ये अनंत तक नहीं है, इसमें √8 √8 √8। अगर इसका आपसे मान पूछ ले कि इसका मान कितना होगा,
तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधे से एक छोटा सा काम करना है, इसको काउंट कर लेना है, 1 2 3 तीन हो गए। तो करना क्या है कि 2 के 3 इस प्रकार से लिख देना है, यानी 2 की घात 3 कर देना, कितने आएंगे, 2 की घात 3 हो जाएगी, कितने आएंगे, 8। तो करना क्या, जो ये 8 है इसके इस प्रकार से 8 लिख दो, और जो ये नीचे 8 लिखा आप इसमें से ऊपर एक माइनस करके 7 लिख लो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल इजीली। यानी आपको किया क्या, 1 2 3 यानी 3 बार है, तो आपको सिर्फ 2 परमानेंट रखना है याद दिमाग में। वैसे इसका सूत्र है 2n-1/2n, लेकिन इसको आप सूत्र को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस सीधा सही चीज़ याद रखनी है। देखो अगला क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ कैसे होगा। जैसे कितना है, 1 2 3 चार बार आ रखा रूट के अंदर 3, और ये अनंत तक नहीं गया हुआ है, बस सीधा उत्तर मांग लिया कि इसका उत्तर क्या हुआ। तो करना क्या, 4 तक है, तो 2 के क्या करना है, 4 लिख देना ऊपर, 2 की पावर 4 कर देना सीधा सा, और जो 3 है इसको तो है एज इट इज लिख लेना है। अब 2 की पावर 4 कितने हो जाएंगे, 16, तो 16 नीचे और उसमें से एक कम करके ऊपर 15, यानी 16 की पावर 15/16, ये इसका सीधा सा आंसर हो गया। इस प्रकार का क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ना दोस्तों, एग्जाम में आते ही कर देना है। तो जुड़े रहिए, और भी इससे इजी क्वेश्चन आपको बताते रहेंगे, इससे इजी से इजी क्वेश्चन, और अगले वीडियो में और इजी ट्रिक आपके लिए लेके आएंगे दोस्तों। बताइए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। जय हिंद।